ध्यान से सुना समझा, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अपने तीन घरों में ही इतने लोग हैं, तीन चार घरों में इतने लोग हैं, मतलब पूरा एक परिवार है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हमारे परिवार बिखर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आज वो परिवार एक हैं, इकट्ठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास अच्छे संस्कार हैं। और अच्छे संस्कार बाजार में खरीदे नहीं जाते हैं जी। हाँ, थोड़ी कहा सुनी परिवारों में होती है, सब में ही चलती है, होती हैं, लेकिन अच्छे संस्कार विरासत में दिए जा सकते हैं, और इनको वही दे सकता है जिसके पास होते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, मैं अभी उस पर बात ना करूं, मैं सिर्फ एक बात आपसे जाते जाते पूछूं, आप यहां अपने आसपास में सबसे बड़ा अस्पताल आपके लिए कौन सा है? बड़सरी है जी, बड़सरी है जी। आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रखिए जी, ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता, दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन ये दिल नहीं बोलता, आपकी आत्मा झूठ नहीं बोलती। आप ईमानदारी से बताइए, कितने लोग आप में से ये मानते हैं कि ये अस्पताल पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर है? आज आप जाते हैं अपने किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और वहां पर आप जाते हैं और आपके आदमी का इलाज हो जाता है, वो बताइए इमरजेंसी में, इमरजेंसी में सिरिंज भी बोलते हैं, बाहर से लेकर आओ, ड्राइवर गाड़ी में से ही कर देते हैं। माता जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, जाते पहले पर्ची पहले हथियार रखते हैं, लो जी ले जाओ ले जाओ आगे, नेक्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं आपको बताऊं क्यों पता है, मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों, देखो ये बोल ऐसा पता क्यों करते हैं लोग, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने यहाँ रखा तो हमारे पास सिरिंज भी नहीं है, और ये जिम्मेवारी किसकी है आप जानते हैं? ये जिम्मेवारी है हमारे उन प्रतिनिधियों की जिनको हमने चुना है, क्योंकि सरकार तो वही चलाते हैं। अगर हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं आज खराब हैं, तो उसकी जिम्मेवारी हमारे प्रतिनिधियों की है। तो हमें याद होना पे पहले प्रधान होंगे ना, प्रधान आंदे जो कोई पिंडर लड़ता है तक बखा मिटाल देती हो ना, कहना ये भी डरते ये भी डरते, तू समझा दे कहना सब समाधान कर दे। अजकल प्रधानों बोलने की मत नहीं आना, क्यों? नेता पहले फोन करिंदा वो मेरा आदमी है, ध्यान रखना ही था। अच्छा सर, आदमी कौन है? ठेकेदार कोई, कोई थी था चमचा है जलाली में झंडा चढ़ता थी था। हमारे बच्चों के लिए कभी फोन किया कि अस्पताल में हमारी माँ बहन आ रही है, इसका ध्यान रखना। चलो बताओ जी, कभी किसी हमारी बुजुर्ग माता को अस्पताल ले गए और किसी नेता ने फोन किया यार मेरी माँ है ध्यान रखना इसका, बोला कभी? इन लोगों को आपने 50 साल दिए, 50 साल दिए, 5 साल तो एक बदलाव केजरीवाल जी को दे सकते हैं। जो बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा कराते हैं एसी एयर कंडीशन, वो मुफ्त यात्रा करते हैं, ट्रेन की ट्रेन बुक करा के ले जाते हैं मुफ्त में बुजुर्गों को, ताकि वो परिवारों में रहकर थक जाते हैं कई बार, कई तरह की, तो चलो घूम के आएंगे। 2500 पे पेंशन 60 साल से ऊपर, विधवा बुजुर्ग कोई भी हो, महिला हो, दिल्ली में उसका अधिकार है, मिलती है। कितनी जी? 2500 पे। आप सब छोड़ो संजू जी, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बच्चे हमारे बैठे हैं सब बुद्धिजीवी, पूरा मीडिया पे लगे रहते हैं। एक विधायक एक पेंशन, भैया आप 10 बार विधायक बन जाओ कोई बात नहीं, पेंशन एक ही मिलेगी। अगर कोई आज तक कर पाया है तो ये पहली केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, जिसने विधायकों को एक पेंशन में बांध दिया। और मजे की बात और सुनिए, ये जितना टैक्स होता था इनका, पता कौन देता था? सरकार देती थी। अब से ये नियम बन गया है कि अब सरकार नहीं देगी, ये खुद देगी। ये किसने बनाया? आज तक क्यों नहीं बन पाया ये नियम? ये आज बना, इसलिए ये पार्टी गरीब आदमी के बारे में सोच रही है।